हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ड्रीम यूके। आज की वीडियो में मैं आपको अपना घर दिखाऊंगा जहाँ पे मैं रह रहा हूँ। जब मैंने एक प्रीवियस वीडियो बनाई थी जहाँ पे मैंने दिखाया था कि मैं स्टूडेंट अकोमोडेशन से मूव आउट मैंने कर लिया है, क्योंकि मेरी मास्टर्स अब ख़त्म हो गई है एंड मैं यूके में फुल टाइम जॉब कर रहा हूँ, तो इसलिए मैंने घर भी चेंज कर लिया था। ऑल्दो मैं एडिनबरा में ही रह रहा हूँ, लेकिन मैं पहले एडिनबरा के सिटी सेंटर में रहता था क्योंकि वहाँ पर मेरी स्टूडेंट अकोमोडेशन थी। एंड अब मैं लीथ में ट्रांसफ़र हो गया हूँ। अभी मैं रोड के साइड में खड़ा हूँ बिकॉज मेरा जो घर है वो बिल्कुल मेन रोड पर है, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक है और आपको पीछे से आवाज़ आ रही होगी। बट अभी मैं एडिनबरा में एक जगह लीथ जो कि सी के काफ़ी ज़्यादा पास है, जहाँ पे एडिनबरा एकदम ख़त्म होता है एंड बहुत ही अच्छी लोकेशन है। अगर मैं आपको अपने घर का एरिया दिखाऊँ तो एकदम मेन रोड है और घर के सामने पार्क है बैठने के लिए, घूमने के लिए। इस तरफ जाती है तो मॉल आ जाती है 9 मिनट्स के वॉकिंग डिस्टेंस पे, एंड यहाँ पे हम जाते हैं तो 10 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे बहुत बड़ा पार्क है। एसडा 13 मिनट्स है, ऑल्डी 6 मिनट्स है और घर से लिटरली 2 मिनट दूर बस स्टॉप है, तो मैं कहीं पर भी बस लेके भी जा सकता हूँ। और घर के साथ में ही एक बहुत अच्छी शॉप है जहाँ से हम पिज़्ज़ा वगैरह ले सकते हैं रात को कभी भूख लगे तो ओवरऑल काफ़ी अच्छी लोकेशन है। अब मैं आपको घर के अंदर ले जाके दिखाऊंगा कि मेरा एक्चुअली में घर कैसा है। अभी मैं अकेला रह रहा हूँ सिंगल रूम फ्लैट में, मैं किसी के साथ भी अपना फ्लैट शेयर नहीं कर रहा हूँ। ये मेरी की है और आज काफ़ी सनी डे है वैसे, तो अब मैं की से अंदर घुसूँगा एंड फिर अपने फ्लैट के अंदर जाऊंगा। ये मैंने दरवाज़ा खोला तो अब मैं आपको दिखाता हूँ फ्लैट। तो देखो पहले तो अगर मैं दरवाज़ा खोलता हूँ तो ऐसा मेरा फ्लैट की एंट्रेंस है, फिर मैं घुसता हूँ, ये मैंने करा दरवाज़ा बंद, यहाँ पे कोट हैंगर है, यहाँ पे लेटर्स वगैरह रख सकते हैं, ये टॉयलेट है। टॉयलेट को मैं अंदर से दिखाऊँगा, क्या ही दिखाना। खैर जो मेन जगह है वहाँ वो दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे आप यहाँ पे घुसते हो तो ये मेरा वर्क स्टेशन है जहाँ पे मैंने अपना कैमरा, मॉनिटर, लैपटॉप, एक मेरा पर्सनल और एक ऑफिस से मिला हुआ है, ये सेटअप कर रखा है। इनफैक्ट मेरे को ऑफिस से थोड़े पैसे मिले थे चेयर लेने के लिए, तो मैंने चेयर भी ली, काफ़ी अच्छी लगती है मुझे, गेमिंग चेयर है और कम्फर्टेबल भी है। एंड वहाँ से मेरा रूम है, इसके बाद ये एक सोफ़ा फ्लैट में मेरे को मिला था, इसके साथ 2 चेयर्स भी आई थी, काफ़ी कंफर्टेबल चेयर्स हैं। एंड वहाँ पे एक रैक है जहाँ पे आप सामान रख सकते हो काफ़ी सारा। एंड ये है किचन। तो अगर मैं कॉर्नर से आपको पूरा फ्लैट दिखाऊं तो किचन, सिटिंग एरिया और वो टेबल, और वो जो आपको वो वाली टेबल दिख रही है वो बाहर मूव होके उसको अनफोल्ड करते हैं तो बिल्कुल बड़ी डाइनिंग टेबल जैसी बन जाती है दोनों तरफ से अनफोल्ड होके, एंड काफ़ी ही स्पेशियस। और इसके अंदर काफ़ी सारी फोल्डेबल चेयर्स भी हैं 4, तो पूरे घर में आप देखो 2 लोगों की यहाँ पे बैठने की जगह है, 2 लोग यहाँ बैठ सकते हैं। इसके बाद एक चेयर ये है तो 5 चेयर ये हो गई, 4 और उसके अंदर से फोल्डेबल निकल जाती हैं, तो टोटल 9 चेयर्स हो जाती हैं। तो अगर फ्रेंड्स वगैरह भी आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आती। और अच्छी बात ये थी कि फ़्लैट के साथ थोड़ा बहुत सामान भी मुझे मिला था, कटलरी वगैरह हो गया, जैसे कि मैं आपको दिखाऊं तो काफ़ी सारे स्पून्स वगैरह, फोक्स, ये फ़्लैट के साथ ही मिले। अगर मैं आपको ग्लासेस की बात करूं ये भी फ़्लैट के साथ ही मिले थे काफ़ी सारे। प्लेट्स वगैरह भी कुछ मेरी है, कुछ फ़्लैट के साथ मिली थी, एंड बाकी किचन यूटेंसिल्स भी काफ़ी कुछ फ़्लैट के साथ मिले थे और फिर मैं अपने भी लेकर आया था। तो ये तो हो गया कॉमन एरिया। इसके बाद हम जाते हैं अंदर की तरफ। अब इस फ्लैट में एक ख़ास बात है कि टॉयलेट वहाँ पर है और जो बाथरूम है वो इधर है। तो अगर मैं आपको बाथरूम दिखाऊं तो बाथटब है यहाँ पे और अंदर वॉश बेसिन है और ये यहाँ पे मिरर है और ये है मेरा रूम। और मेरे को अपना रूम भी काफ़ी अच्छा लगता है बिकॉज काफ़ी स्पेशियस, मेरे को लगता है सिंगल इंसान के रहने के लिए काफ़ी ही स्पेशियस रूम है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे स्टोरेज
लिए है जगह जहाँ पे आप कपड़े रख सकते हो। फिर ये आता है बेड, और इसके बाद आती है इतनी बड़ी विंडो जिससे पार्क का व्यू आता है। और यहाँ पे भी थोड़ा और स्टोरेज स्पेस है, वहाँ पे मेरा गिटार है और ये बेड है। और यहाँ पे बहुत अच्छी सनलाइट आती है दिन में, दोपहर के टाइम जब भी आती है, तो यूके में तो आपको पता ही होगा कि सनलाइट उतनी ज़्यादा नहीं आती है, बट फिर भी व्यू अच्छा है, एकदम मेन रोड का व्यू है। बट इवन दो ये मेन रोड पर है, बट बाहर की कोई एज सच इतनी ज़्यादा कोई आवाज़ नहीं आती, तो साइलेंट भी है काफ़ी ज़्यादा। तो ओवरऑल मैं बताऊँगा कि मैं काफ़ी खुश हूँ। आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि अकेला सिंगल रूम फ्लैट क्यों ले लिया मैंने, इतने ज़्यादा पैसे खर्चने की क्या ज़रूरत थी। तो बात ये है कि मैंने जो जॉब अभी अभी जो मेरी जॉब चल रही है वो फुली रिमोट है, और मेरे को पूरा टाइम घर से काम करना होता है। तो अगर मैं किसी के साथ फ्लैट शेयर करता तो मेरे को पूरा टाइम अपने रूम में बैठ के काम करना पड़ता, क्योंकि फ्लैट शेयर करते हैं तो कभी कोई फ्लैट में आ जाता है, कभी कोई आ जाता है, तो डिस्टरबेंस हो सकती है। तो आप कॉमन एरिया को अपना वर्क स्टेशन नहीं बना सकते हो, लेकिन यहाँ पे मैंने अपने कॉमन एरिया को वर्क स्टेशन बना रखा है। मैं वीडियोस भी यहीं पे ही शूट करने वाला हूँ आने वाली, तो आपको DSLR से बहुत अच्छी क्वालिटी की वीडियोज़ मिलेंगी, और बैकग्राउंड में आएगा ये वाला एरिया। तो इसलिए क्योंकि मैं फुली रिमोट काम करता हूँ, 100% घर से काम करता हूँ, मेरा ऑफिस, मेरे को कहीं बाहर नहीं जाना पड़ता, तो इसलिए मेरे को थोड़ा एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए था अपने लिए, और इसी वजह से मैं सिंगल रूम फ्लैट में शिफ्ट हुआ। अब आप सोच रहे होंगे कि कितने पैसे जा रहे हैं मेरे इस चीज़ में, कितना मैं रेंट पे कर रहा हूँ। तो देखो यार, एडिनबरा में आउटस्कर्ट्स की बात मैं नहीं करूँगा, अगर आपको सेंट्रल एडिनबरा में सिंगल रूम फ्लैट लेना है तो 700 या 700 pounds से ऊपर ही मान के चलो पर मंथ। लेकिन सेंस मेरा जो घर है वो लीथ में है, लीथ आउटर एडिनबरा में आ जाता है थोड़ा, मतलब प्रिंसेस स्ट्रीट जो सेंट्रल एडिनबरा है वहाँ तक वॉक करने में 20 minutes लग जाते हैं, जो कि उतना भी आउटर नहीं है, बट फिर भी वॉक करके मैं अभी भी कहीं पे भी जा सकता हूँ। तो इस वजह से मेरे को जो अब मेरे को रेंट देना पड़ रहा है वो है 675 pounds। और अगर मैं आपको बताऊं, अगर आप अपने घर में शिफ्ट होते हो तो आपके क्या क्या खर्चे होंगे, अगर आप स्टूडेंट नहीं रहे अब, तो आपका रेंट जाएगा, आपका काउंसिल टैक्स जाएगा, आपका गैस का बिल होगा, इलेक्ट्रिसिटी का बिल होगा, इंटरनेट का बिल होगा। रेंट मैं दे रहा हूँ 675 pounds, काउंसिल टैक्स बैंड फॉर्चुनेटली मेरा ए है, काउंसिल टैक्स बैंड ए सबसे ज़्यादा कम होता है, जिसकी एनुअल कॉस्ट शायद एडिनबरा में 1200 pounds होती है, तो मंथली कुछ 100 pounds पड़ता है, बट सिंगल ऑक्यूपेंसी डिस्काउंट की वजह से 75 pounds पड़ता है। बट सिंस अभी क्या कहते हैं, जो मैं काउंसिल टैक्स दे रहा हूँ वो मैं 6 months का काउंसिल टैक्स दे रहा हूँ पूरे एक साल के लिए, तो मेरे को पर मंथ 150 pounds देना पड़ रहा है, बट कुछ टाइम बाद मेरे को वो देना नहीं पड़ेगा। तो रेंट 675, काउंसिल टैक्स 150 pounds, गैस मैंने अभी तक एक बार ही पे करा है बिल, वो 23 pounds आया था, बट वो ज़्यादा बढ़ेगा क्योंकि वो मैंने तब पे करा था जब मैं नया नया आया था, तो ज़्यादा गैस यूज़ हुई नहीं थी। इलेक्ट्रिसिटी मैं एक बार 66 pounds का बिल पे कर चुका हूँ। उसके बाद जो मेरा इंटरनेट का प्लान है वो है 24 pounds का, वर्जिन मीडिया, जिसमें मुझे 200 Mbps डाउनलोडिंग स्पीड मिलती है, 20 Mbps अपलोड स्पीड, जो कि काफ़ी कम है, मेरे को फील होता है वो कम है जब मैं यूट्यूब पर वीडियोज़ अपलोड करता हूँ, बट अपलोडिंग स्पीड में मैंने ध्यान नहीं दिया था प्लान लेते हुए, बाद में पता चला कि डाउनलोडिंग 200 है, अपलोडिंग 20 Mbps है। लेकिन मेरा 24 pounds का इंटरनेट का बिल जाता है, जिसमें 18 pounds का जो है वो वाईफाई का बिल है, और 6 pounds का मुझे O2 का सिम मिला है जिसमें अनलिमिटेड कॉलिंग है और 6 GB का डेटा है। तो ये एक एडिशनल प्लान मेरे को मिला था वर्जिन मीडिया में, जिसमें को वाईफाई प्लस सिम कार्ड मिला था, जो कि मेरे लिए हेल्पफुल होगा क्योंकि मैं अपने मम्मी पापा को बोल रहा हूँ आने के लिए यहाँ पे, तो वो जब आएंगे तो एक सिम मैं उनको दे दूंगा उनको यूज़ करने के लिए। और एक और पॉइंट था अकेला मेरे को घर लेने का, कि अभी जैसे कि मैं अपने मम्मी पापा को इनवाइट करना चाहता हूँ इन द फ्यूचर, तो वो अगर एक सवा एक महीने के लिए यहाँ पे रहते हैं, तो अगर मैं किसी के साथ फ्लैट शेयर कर रहा होता तो उस चीज़ में प्रॉब्लम आ सकती थी, क्योंकि एक रूम अगर पेरेंट्स ने ऑक्यूपाई कर लिया तो अगर मुझे स्टे करना है तो मैं पूरा टाइम कॉमन एरिया में नहीं रह सकता, जो दूसरा फ्लैटमेट हो सकता है उसको भी प्रॉब्लम हो सकती है उससे, या इरिटेशन हो सकती है, या फिर कॉन्फ्लिक्ट का सीन हो जाता है, या फिर कुछ भी हो सकता है। तो मेरे को वो चीज़ नहीं चाहिए थी, तो इसलिए मैं
मैंने सोचा कि मम्मी पापा आएंगे तो वो रूम में रहेंगे, मैं कॉमन रूम यहाँ पे एक मैट्रेस लगा लूँगा, एयर मैट्रेस, एंड मैं यहाँ पे रह लूँगा, तो इस वजह से उस चीज़ में भी दिक्कत नहीं आएगी। बट जो डिसाइडिंग फैक्टर था वो ये था कि मेरी पूरी रिमोट जॉब है, घर से करना पड़ता है, इसलिए मेरे को सिंगल रूम फ्लैट चाहिए था। मेन पर्पस वो था सिंगल रूम लेने का। बट आई होप आपको अब पता चल गया होगा कि मैं किस तरह की जगह में रह रहा हूँ, यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। और कभी मैं आपको दिखाऊंगा, मेरे घर के आसपास काफ़ी सुंदर जगह है, लीथ में मैं रह रहा हूँ, और यहाँ पे भी काफ़ी प्यारी प्यारी जगह हैं देखने के लिए। तो कभी आपको लीथ का वॉकिंग टूर पे मैं लेके जाऊँगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आप मेरे को बताना कि आपको मेरा घर कैसा लगा। शायद आपको रेंट ज़्यादा लगेगा, जो कि ज़्यादा है, मैं आपको डिनाई नहीं करूँगा कि रेंट कम है मेरा, बट उतना अब नॉर्मल हो गया है यहाँ पे बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, और इतने स्टूडेंट्स आ गए हैं तो डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो इसलिए रेंट भी अब ऊपर जा रहा है। बट ये मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे को बहुत अच्छी डील मिली है। अगर आपको लग रहा है ना कि मैंने बहुत महंगा ले लिया है, तो आपको पता नहीं है एडिनबरा में कितना रेंट अभी लोग पे कर रहे हैं, क्योंकि 675 इज़ लाइक अ वेरी वेरी गुड डील। तो होपफुली, टच वुड, मेरे को ये जगह मिल गई, और थोड़ा कम स्ट्रगल करना पड़ा मुझे ये जगह ढूंढने के लिए, क्योंकि मैंने कुछ स्टेप्स फॉलो करे थे अकोमोडेशन ढूंढने के लिए, जिस पे मैंने वीडियो बनाई है, वो आपको स्क्रीन के राइट हैंड साइड पे दिखेगी। उस वीडियो को देखना, हाउ टू फाइंड अकोमोडेशंस इन द यूके, उससे आपकी काफ़ी हेल्प होगी। और आपको कोई भी डाउट्स हो या कोई क्वेरी हो तो मेरे को कॉमेंट सेक्शन में बताना। आई ट्राई माई बेस्ट टू आंसर योर क्वेश्चंस। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप यू लाइक माई प्लेस। ऑल द बेस्ट, बाय।